नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में स्थित एशिया के सबसे बड़े रेल कारखाना के बारे में। रेलवे भारत में यातायात के लिए लाइफलाइन है। रेल पर यात्रा करना हर किसी के लिए आसान है, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब, या फिर हर कोई रेलवे से यात्रा करना चाहता है। रेलवे देश में नौकरियों के मामलों में भी एक बड़ी नियोक्ता है। ऐसे में आज हम एक ऐसे ही रेल कारखाने के बारे में जानेंगे जिसके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में एशिया का पहला रेल कारखाना स्थित है और यह रेल कारखाने का नाम पर कई रिकॉर्ड भी दर्ज है। बता दें कि इस रेल कारखाने में 7,000 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। बिहार का यह रेल कारखाना हाल ही में 160 साल पूरा किया है। इस दौरान इस रेल कारखाने ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन उसके बाद भी आज तक अनवरत कार्य जारी है। इस दौरान इसके कई कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज किए। पिछले 12 सालों से यह रेल कारखाना मालगाड़ी वैगन मरम्मत करने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है। तो अब और लंबा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, आपको बताते हैं इस रेल कारखाने के बारे में, जिसके बारे में हम ऊपर में जिक्र किए हैं। यह रेल कारखाना है जमालपुर रेल कारखाना। इस रेल कारखाने को भारतीय रेल की रीढ़ कहा जाता है। यहाँ के तकनीशियनों की कुशल कारीगरी को देखकर देश के दूसरे रेल कारखाना के तकनीशियन तकनीकी रूप से दक्ष होने के लिए यहाँ आते हैं। हम कहें कि वो यहाँ आकर पूरी तरह से ट्रेन होते हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी 1862 को जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना हुई थी। इस कारखाने की नींव अंग्रेजों द्वारा रखी गई थी। अब इस कारखाने के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसको निर्माण कार्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि अब तक जो है यह कारखाना मरम्मती का काम करता रहा है, लेकिन अब जो है इसे निर्माण कार्य की मांग तेज़ी से पकड़ रही है। जमालपुर रेल कारखाने की अगर हम उपलब्धियों को देखें तो जर्मनी के बाद पहला 140 टन का क्रेन बनाया था। अब यहाँ 175 टन का क्रेन बनाने की कवायद तेज हो गई है। अभी जर्मनी और चीन में ही यह तरह के क्रेन जो है बनाया जाता रहा है। निजी कंपनियों को क्रेन भी कारखाना उपलब्ध कराएगा। अभी तक यह तमगा जो है, एक तरह से कहें कि इस तरह की क्रेन बनाने का जो तमगा है, देश के किसी दूसरे कारखाने को नहीं मिला है। महत्वपूर्ण कारखाना में शामिल इस कारखाने को ऐतिहासिक गौरवशाली रहा है। बता दें कि इस खाने में बने जैक की डिमांड पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जमालपुर रेल कारखाना ने पिछले 12 सालों में कई उपलब्धियाँ अपने नाम दर्ज की है। पूर्व रेलवे की सभी तीनों कारखानों की तुलना में जमालपुर रेल कारखाना का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है। इस कारखाने ने लगातार अपने पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। कारखाना पुराना है तो जाहिर सी बात है इसके नाम कई रिकॉर्ड हैं तो कई दाग भी हैं। ऐसे में इस कारखाने के नाम पर एक दाग भी लगा है, जिसमें मालगाड़ी वैगन निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया। इसमें कारखाना के अधिकारियों और संवेदकों की मिलीभगत से यह घोटाला किया गया था। बाद में इसमें जांच हुई और घोटालेबाज अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा के रूप में नौकरी से बाहर कर दिया गया। इस कारखाने से मुंगेर सहित जमालपुर और दूसरे जिले के व्यापार भी निर्भर है। जमालपुर के व्यापारी बताते हैं कि जमालपुर का व्यापार पूरी तरह से कारखाने पर आधारित है। इस कारखाने से ही जिले की एक अलग पहचान है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि कारखाने में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ के व्यापार में और भी वृद्धि होगी। तो एक तरह से हमने देखा कि एशिया का जो है सबसे पुराना कारखाना जो है बिहार में स्थित है, जमालपुर कारखाना। 160 सालों से यह जो है अनवरत काम कर रहा है और यह ट्रेनों के मरम्मती का काम कर रहा है। इसकी दक्षता अगर, यानी कि हम इसके कार्य की क्वालिटी को देखें, तो इससे पता चलता है कि जितने भी पुराने और कई तरह के जो काम है, तकनीकी काम है, वो सीखने के लिए पूरे देश से यहाँ पे इंजीनियर आते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।